नमस्कार, मैं हूं नाजिया। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। क्या आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है? अगर हाँ तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया पोस्ट ने कई नियमों में बदलाव किए हैं, इसलिए हम आपके लिए ये खबर लाए हैं ताकि आप इन बदलाव के बारे में जरूर जान लें। इस रिपोर्ट में देखिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने बैंकिंग चार्जेस के साथ साथ ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट होल्डर्स को उनके सेविंग अकाउंट बैलेंस पर कम ब्याज दे रहा है। इसके अलावा उन्हें घर पर मिलने वाले सर्विसेज पर अब ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। आईपीपीबी द्वारा बढ़ाई गई डोर स्टेप बैंकिंग चार्जेस 1 अगस्त 2021 से लागू हो चुकी है। इससे पहले इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों से डोर स्टेप बैंकिंग पर कोई चार्ज नहीं वसूलता था। आईपीपीबी डोर स्टेप बैंकिंग चार्जेस के तौर पर प्रति कस्टमर प्रति रिक्वेस्ट 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा 1 जुलाई से इंडिया पोस्ट के सेविंग्स अकाउंट पर भी ब्याज दरें कम हो गई हैं। ये ब्याज दरें 1 जुलाई 2021 से लागू भी हो चुकी हैं। हालांकि ये अकाउंट में पड़े बैलेंस के आधार पर भी निर्भर करेगा। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि अब कितना ब्याज मिलेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 2.75% की दर से ब्याज मिल रहा है, लेकिन अब किए गए बदलावों में ये घटकर 2.5% पर रह गया है। 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 2.75% सालाना दर से ब्याज मिलेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अकाउंट होल्डर्स को तिमाही आधार पर ब्याज का पे आउट मिलेगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक तरह का पेमेंट बैंक है और प्रति ग्राहक अधिकतम बैलेंस की लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। किसी भी दिन 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस होने पर अतिरिक्त रकम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर फिलहाल 4% की दर से ब्याज मिल रहा है। इंडियन पोस्ट बैंक की सबसे खास बात बैंकिंग विथ QR कार्ड है। QR कार्ड का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ना तो अकाउंट नंबर याद करना होता है और ना ही किसी पासवर्ड की जरूरत होती है। अकाउंट होल्डर का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को बायोमेट्रिक के जरिए पूरा किया जा सकता है। IPPB अकाउंट के जरिए NEFT, IMPS और RTGS के जरिए भी फंड्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इंडियन पोस्टल सर्विसेज में आए इन नए बदलावों ने एक तरफ जहां बैलेंस लिमिट को बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मनी ट्रांसफर सिस्टम को भी स्मार्ट बना दिया है। यानी अब ना तो आपको इस बैंक से पैसे निकालने के लिए अकाउंट नंबर याद रखना होगा और ना ही पासवर्ड याद रखने की झिकझिक होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।